यूजलेस है। अभी ये बाल्टी है, इसके अगर हम पानी डालेंगे ना तो ये हमारे काम की है, लेकिन अगर यहाँ पे छेद हो जाएगा क्या ये हमारे काम की है? तो जो भी चीज हमारे काम की नहीं है वो कैसे रह सकती है? ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से कचरा विभाजन के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों को 6 से 8 तक के छोटे बच्चों को कचरा किस तरह से अपन डस्टबिन में डालते हैं, कौन से डस्टबिन में हम किस तरह का कचरा डालते हैं, ये सब इससे संबंधित बच्चों को जानकारी दी गई है। आज हमने कार्यशाला में गीले और सूखे कचरे को अलग करने का महत्व समझा है। आज हमें पता चला कि गीले कचरे के डिब्बे में केले के छिलके, अंडे के छिलके, नारियल, किचन के सामान आदि आते हैं। आज हमें पता चला कि सूखे कचरे में